एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। ये बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां ताजमहल के अंदर हिंदूवादी दो युवकों ने गंगा जल चढ़ाया है। जी हां, सही सुना आपने, ताजमहल के अंदर हिंदूवादी दो युवकों ने गंगा जल चढ़ा दिया है। दरअसल ये दावा अखिल भारत हिंदू महासभा का है, जहां उनका ये कहना है कि युवकों ने गंगा जल ताजमहल के अंदर चढ़ाया है। दावा किया जा रहा है कि तेजो महालय शिव मंदिर पर गंगा जल चढ़ाया गया, साथ ही गंगा जल चढ़ाते हुए का वीडियो बनाकर भी वायरल किया गया है, जिसके बाद सीआईएसएफ ने तुरंत दोनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया गया है। युवकों का नाम विनेश और श्याम बताया जा रहा है। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को सीआईएसएफ, जो कि ताज महल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बॉटल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पिछले 5 सालों से हिंदू महासभा ऐलान करता हुआ आ रहा, दावा ठोकता रहा और गंगा जल चढ़ाना थे जो महालय के अंदर हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी के तहत मीरा राठौर जी ने सौरव कटरा से कावड़ लेकर आई, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया गया। मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ पर उर्स हो सकता है, कपाली हो सकती है, तो यहाँ पर ताजमहल के अंदर गंगा जल क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? आज हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गंगा जल चढ़ाया है। गंगा जल चढ़ाकर हमने जो वादा किया था हिंदू महासभा में, निश्चित तौर पर वो पूरा किया गया है। अगर ताजमहल के अंदर उर्स होगा, बिरयानी बटेगी, तो ताजमहल के अंदर सिर्फ तांडव भी होगा, सिर्फ चालीसा भी होगा। ऐलान देके हिंदू महासभा ने आज यहाँ पर गंगा जल चढ़ाया और आगे निरंतर दावा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक निरंतर यहाँ पर हम लोग गंगा जल और शिव तांडव करते रहेंगे। इसमें विनेश चौधरी है और श्याम है, मथुरा के विनेश चौधरी जिला उपाध्यक्ष है और विनेश मथुरा के हमारे बब्बर शेर है, जिन्होंने ऐलान जो दिया था मीरा राठौर ने, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज गंगा जल के जो माले के अंदर पवित्र किया गया है और निरंतर हिंदू महासभा दावा करती है, इस पर करती रहेगी। फिलहाल थाना ताजगंज पुलिस ने पकड़ लिया गया, अधिकारियों से हमारी बात चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं, जब वहाँ पर नमाज अदा कर सकता है पर्यटक, उनको जानकारी नहीं है और माफी नामा लिखवा कर उनको रिहा कर देते हैं ये लोग नमाज पढ़ने वालों को, तो निश्चित तौर पर सशर्त बिना शर्त हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं को प्रशासन रिहा करे, वरना आगे भी वो झेलने के लिए तैयार रहेगा, हिंदू महासभा निरंतर कार्यक्रम करता रहेगा। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024